अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन मलाई टिक्का, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है। बहुत जल्दी बन जाने वाली ये डिश है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें और चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 12 हमने काजू लिए हैं और 10 हरी मिर्चें। इसका मैं पेस्ट बना के फिर लेकर आती हूं। ये देखिए, हमने इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको चिकन में किस तरीके से मिलाना है। 600 ग्राम चिकन लिया है और ये हमने थाई के पीस लिए हैं और छोटे छोटे क्यूब्स में कटवा लिया है। ये जो मैंने काजू और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें मैं सिर्फ ये आधा डालूंगी, आधा मैं बचा लूंगी। एक लेमन का जूस लिया है, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक टी स्पून नमक, एक टी स्पून ब्लैक पेपर, एक टीस्पून चाट मसाला, हाफ कप मैंने दही लिया है और ये गाढ़ा है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसको एक घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दूँगी। देखिए, मैंने अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको एक घंटे के लिए रख दूँगी मैरिनेट के लिए। फ्रिज में रखूँगी इसको मैं एक घंटे के लिए। ये देखिए, हमें चिकन को रखे हुए मैरिनेट हुए हुए एक घंटा हो गया। टेबल स्पून में इसमें बटर डाल दूँगी मैं। इसी स्टेज पे इसको चिकन को ऐड कर दूंगी। और एक से डेढ़ मिनट तक मैं हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए, मुझे डेढ़ मिनट हो चुका है हाई फ्लेम पे। अब मैं इसकी लिड लगा दूंगी। इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी लो फ्लेम पे। इसे लो फ्लेम पे रख रखा था, 10 मिनट हमें हो चुके हैं इसे पकाते पकाते। और इसने चिकन में पानी भी रिलीज कर दिया है। हमने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला था क्योंकि इसके अंदर दही डाल रखा था, ये दही का पानी है। अब इसको हम खोल के फुल फ्लेम पे, अब हम इसके पानी को अच्छे से इवेपोरेट कर लेंगे। ये देखिए, हमें इसको पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी भी इवेपोरेट हो चुका है। अब मैं इसकी जो चिकन की बोटियां हैं, मैं इसको फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ और मैं इसकी सारी इसी तरीके से ये बोटियां निकाल लूंगी। ये देखिए, सारी चिकन की मैंने बोटियां निकाल ली हैं। अब मैं इसको, ये देखिए, सारा मैंने मसाला जो था इसका वो मैंने साइड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अमूल की फ्रेश क्रीम। इस क्रीम को मैं पूरा ही इसमें ऐड कर दूंगी। इसको मैं फुल फ्लेम पे अच्छे से भून लूंगी। एक उबाल आने तक मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। स्लो फ्लेम पे मैं 1 टेबल स्पून बटर का ऐड कर दूंगी और मैंने काजू और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बचा लिया था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और फिर मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूंगी। और इसकी भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, चलिए, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 ही टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। इसको अच्छे से मैं भूनूंगी, इसकी भुनाई करूंगी। ये देखिए, इसके अच्छे से भुनाई हो गई है और ये मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो मैंने 1/4 कप इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया। आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया। हम इसका बस एक ही बॉईल ले लेंगे, इसके बाद हमारी ग्रेवी रेडी है। देखिए, मैं चिकन ग्रिल कर लूँगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है और इस तरीके की आपके पास नेट है तो आप इस तरीके की नेट में चिकन ग्रिल आराम से कर सकते हैं। और ये मैंने चूल्हे पे फॉइल पेपर लगा रखा है। जब भी आप कुछ ग्रिल करो तो इस तरीके से फॉइल पेपर लगा लो, आपका चूल्हा बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ रहेगा और बिल्कुल गंदा नहीं हो पाएगा। चलिए, तो मैं अब दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर मैं चिकन के पीस डाल लूँगी और फिर ग्रिल कर लूँगी। मैंने इसी तरीके से तंदूरी चिकन भी बनाया था, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे लिंक दे रखा है बटर चिकन का। तंदूरी चिकन, बटर चिकन, वो भी बहुत टेस्टी बना था। और ये भी इसी तरीके से, वैसे तो मेरी ओवन है लेकिन मैं आपको इस तरीके से बनाना इसलिए दिखा रही हूँ, बनाना सिखा रही हूँ। जिनके ओवन नहीं है वो इस तरीके से ग्रिल कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका, बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर आता है इसका।
देखिए मैं फौरन से ही इसमें ये ऐड कर दूंगी और फिर मैं दूसरा बैच भी रेडी कर लूंगी। ये देखिए सेकंड बैच भी रेडी हो चुका है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं जैसे रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं इसी तरीके से मैं सर्विंग बाउल में सर्व कर लूँगी और मेल्टेड बटर ऐड कर दूँगी इसके अंदर में। और ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत इजी होता है इसको बनाना, बहुत जल्दी बन जाने वाली ये डिश है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।